भारत आने से पहले ही रूस का धमाका, सिर्फ भारत को मिलेगा अमोघ S-500। रूस और भारत के बीच सबसे बड़ी डील, भारत ने S-400 के बाद S-500 की डील भी रूस से कर डाली है। इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। S-400 के मुकाबले S-500 कितना ताकतवर होगा? दोस्तों, रूस आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे एडवांस्ड S-500 मिसाइल सिस्टम को भारत को देने वाला है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। पुतिन का भारत दौरा ऐसे संवेदनशील समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है और ये तनाव युद्ध की शक्ल ले रहा है। ऐसे में पुतिन का भारत आना चीन के लिए चिंता का कारण बन गया है। यहाँ चिंता का पहला कारण तो वो हथियार बन गया है जो रूस के अलावा सिर्फ भारत के ही पास होगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत का आर्कटिक इलाके में एंट्री मारना। ये दोनों ही चीन के लिए खतरा बनने वाला है। भारत ने रूस को कन्विंस कर बड़ा कूटनीतिक काम किया है। दोस्तों, अब जो हथियार भारत आने वाला है वो चीन की बरसों पुरानी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर पानी फेर सकता है। हाल ही में चीन ने स्पेस में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर अमेरिका तक को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि चीन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। लेकिन रूस से भारत में ये हथियार आ जाने के बाद रूस के बाद भारत ही वो देश होगा जो ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा। इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स, ऐसा कहना है जो वहां के रशिया के डायरेक्टर ऑफ फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है दमित्री शुग्रेव। उन्होंने दुबई एयर शो से पहले बोला। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी। ये मिसाइल्स जो हैं जो शुग्रेव ने बोला वो ये बोला कि द सप्लाईज ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इंडिया हैव स्टार्टेड एंड आर प्रोसीडिंग ऑन शेड्यूल। मतलब सारे के सारे हम शेड्यूल पे दे देंगे, स्टार्ट हो चुका। इससे पहले ये S-400 मिसाइल सिर्फ दो ही कंट्रीज को दिए गए थे, एक चाइना और एक टर्की। अब ये इंडिया के पास आ गए। बहुत अच्छा मिसाइल है, किसी भी एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए को, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से प्लेन आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल सटीक इंटरसेप्ट कर सकती है और मतलब कोई हमला होने ही नहीं देगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के आ गए। और अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने 2018 अक्टूबर में ये एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट में के हिसाब से 5 रेजिमेंट आनी थी S-400 की। ये एग्रीमेंट $5.43 बिलियन का था और आनी शुरू हो गई। तो अब इसके साथ साथ पहले ही रशिया बोल चुका था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जल्दी दे देंगे। अब ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, स्पुटनिक न्यूज एजेंसी है रशिया की, उसके सामने एक्सेप्ट किया कि हमने डिलीवरी शुरू कर दी है, डिलीवर हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रेजिमेंट एक ही बार में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी आ रही हैं। और एक और खबर ये कि इस डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी शुरू हुई है उसके बाद, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आने वाले इसी साल। आधा महीना तो ये निकल ही चुका है, एक महीना और बचा है इस साल खत्म होने में, 1.5 महीने में विजिट उनका होना है। खबर यह है कि वो दिसंबर में आएंगे और दिसंबर, वैसे तो कोई डेट है नहीं अभी तक और ऐसी विजिट की डेट होती भी नहीं है, अभी तक डेट कंफर्म करना बाकी है। लेकिन वो ये बात कि वो शायद 6 दिसंबर के आसपास पहुंच पाए और वो बात करेंगे यहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, जैसे कि डिफेंस कोऑर्डिनेशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये सिर्फ पुतिन की दूसरी विजिट है, ये कोरोना आने के बाद से ये पुतिन की दूसरी विजिट है। ये समझ लीजिए कि पुतिन साहब कितना इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं कि किसी और कंट्री विजिट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। और वो पुतिन साहब को क्यों इंडिया आना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया से टेक्निकल मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन का भी एक पुराना एग्रीमेंट है जो कि 10 साल से आगे 10 साल के लिए और रिन्यू किया जाएगा। बहुत सारी मिलिट्री डील्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी डिफेंस डील्स हैं, वो की जाएगी। तो कितनी अहमियत देता है रशिया आज भी इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक मेजर बायर है आर्म्स का, अमेरिका से भी इसका, इंडिया का $20 बिलियन का वो डिफेंस डील्स हैं,
$20 बिलियन का हम लोग सामान खरीदते हैं, ऐसे ही हम उनसे भी खरीद रहे हैं, रशिया से भी। तो यही चीज इंडिया एंश्योर कर रहा है। मैं अभी आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या है गेम। इंडिया एंश्योर कर रहा है कि रशिया से भी हम खरीदते रहें और अमेरिका से भी खरीदते रहें। क्यों खरीदते रहें, अब इस पे आगे आएंगे। खैर, ये S-400 जो मिसाइल है, ये खरीदने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगा देगा। उनका एक लॉ है, उनका एक एक्ट है, काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब ये जो CAATSA, इस एक्ट के थ्रू जो अमेरिकन एडवर्सरीज हैं, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पे सैंक्शन लग सकता है। ये बोला गया था कि इंडिया पे भी सैंक्शन लगाया जा सकता है इससे, लेकिन अमेरिका के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लगभग अभी कुछ टाइम से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं बड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स पे, उसमें यही पूछा जाता था कि इंडिया ने S-400 मिसाइल्स खरीद रही हैं और आप क्या सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन गवर्नमेंट बार बार ये बोलती थी कि अभी तक मिसाइल्स वहां पहुंची नहीं है, अब पहुंच गई तो सैंक्शंस का डर तो है, हो सकता है वेवर भी कर दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि पूरा सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, हर चीज के अलग अलग सैंक्शंस होते हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक ही चीज पे सैंक्शन लगाए कि आज से हम इंडिया को अपनी मिसाइल नहीं बेचेंगे, या आज से हम इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट नहीं बेचेंगे, या हम कोई पुर्जे नहीं देंगे, ये सैंक्शंस लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ओवरऑल सैंक्शन हो गए, रिश्ते रिश्ते खत्म, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक या दो पीसेस पे, एक या दो पार्ट्स पे, या एक या दो इक्विपमेंट्स पे भी सैंक्शन लगता है। और कोई ऐसे सैंक्शंस भी लग सकते हैं जो सैंक्शंस बिल्कुल इंडिया के लिए बेमाने हो, तो ये देखते हैं कि क्या वो करते हैं, क्योंकि अमेरिका भी इंडिया पे सैंक्शंस लगाने के मूड में नहीं है। S-500 की ताकत देख हो जाएंगे रोंगटे खड़े। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल कर देगा राख। दोस्तों, रूस आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे एडवांस्ड S-500 मिसाइल सिस्टम को भारत को देने वाला है। रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन यानी कि FSMTC के डायरेक्टर दमित्री शुगेव ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूसी सशस्त्र बलों के पास इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की पर्याप्त उपलब्धता हो जाने पर वो अब इसे भारत को निर्यात करने वाला है। दोस्तों, आपको यहां पर हम ये बता दें कि S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये न केवल स्टिल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को मार गिराने में सक्षम है। भारत इसी मिसाइल सिस्टम की पिछली पीढ़ी के हथियार S-400 को रूस से खरीद रहा है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि इस साल के अंत तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली बैच को सुपुर्द कर दिया जाएगा। S-400 की ताकत के बारे में आप जानते हैं, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि S-400 के मुकाबले S-500 कितना ताकतवर होगा। दरअसल दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि स्वदेशी तौर पर विकसित S-500 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप जल्द ही रूसी सेना को सौंप दी जाएगी। FSMTC के डायरेक्टर दमित्री शुगेव ने कहा कि हम भारत और चीन के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे हमारे पुराने और पारस्परिक संबंध हैं। इनमें पहले भारत को यह हथियार मिलने वाला है। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अलमाज एनटी कॉरपोरेशन ने बनाया है। यही वो कंपनी है जिसने इसके पहले S-300 और S-400 को बनाया है। दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस माने जाने वाले इस सिस्टम को जल्द ही रूसी सेना में तैनात किया जाएगा। रूस का दावा है कि इस सिस्टम के अत्याधुनिक रेडार